चलान दिया थी, उसके बाद यार अपनी ये चादर भी नीचे आ गई। I guess मर गया। कई सारे जख्म है इसको ना, यहाँ पे अंदर भी थे। मैं काजल को छोड़ने जा रहा हूँ ऑफिस, ये लेटा हुआ टेडी और सिम्बा। ऑफिस नहीं ऑटो तक, सॉरी। और सिम्बा भी हमारे साथ चल रहा है, ऑफिस भी छोड़ा है। हाँ, जब खुद जाना होता है तो खुद जाऊँगा तभी छोड़ूंगा ना। ऐसे तो फिर मेरे को दूर पड़ेगा ना भाई। इसको देखो, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। चलो, इसको पता नहीं चलता कि डैडी कुत्ता है या बेचा है। चलो लेट्स गो, प्यार करता रहेगा उसको। आजा, चलो। वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग। ऊपर देखते यार, कल ना एक छोटा सा पंगा होगा था। पंगा क्या होगा था, अपना एक ना चूजा है वाइट कलर का, तो उसको आई डोंट नो कि किस मुर्गी ने, इस वाली ने या नीचे एक और उसने मारा। देखते हैं कि अभी उसकी कैसी कंडीशन। हमने दवाई दे के छोड़ा था उसे, आई गेस मर गया यार। और अपना चूजा नहीं बच पाया, तो अपने यार सिर्फ 6 ही चूजे बचे हैं, 10 थे जबकि। ये भी मुझे कुछ ऐसा बेचारा ढीला सा ही लग रहा है। कई सारे जख्म है इसको ना, यहाँ पे अंदर भी थे, बट चलो इसको करते हैं अभी बाद में। यार मुझे कई बार ये समझ में नहीं आती कि साथ में ही पले बड़े हैं, साथ में ही रह रहे हैं, इन्होंने ही पैदा किया, फिर एक दूसरे के चूजों को मार क्यों देते हैं। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बाकी जो इनका अभी इनको दाना पानी घेरते हैं, कुछ खाने का सामान घर का है तो वो भी देते हैं, और उसके बाद जाके प्लांट्स पे पानी देते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ना सारे चूजों को इसी के अंदर बंद कर दूंगा अलग से, यहीं पे रहो, यहीं पे खाओ पियो, ताकि बाहर ना जाए, ताकि और कोई चूजे को कोई और मुर्गी ना मार सके। ये डाल रहा हूँ मैं चूजों के लिए, आज से इनका दाना पानी सब अलग। ये पानी इसके अंदर अभी इनका लिवर टॉनिक और कैल्शियम मल्टीविटामिन ये भी डाल दूँगा। इनको दाना पानी सब कुछ दे दिया और चूजों को भी दे दिया। भाई गर्मी इतने भयंकर लेवल की हो रही है ना ऊपर, पर इसलिए इनके लिए ये कूलर भी लगा रखा है। अब चलते हैं नीचे और अपना नहा धो के ऑफिस का काम स्टार्ट करते हैं। अब ये एक अंडा मैं अपने चूजों के लिए और एक अंडा एली सिम्बा के लिए ये उबाल रहा हूँ। चूजों को देने से उनकी प्रोटीन लेवल अच्छा होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसको भी पेडिग्री में ग्रेवी मिला के दिए, कुछ नहीं खाता था पूरा दिन। एली अंदर आ गया, एली अंदर ही है, ये बैठी। अगर अभी ये नहीं खाता तो इसको लस्सी पिलाता, वो भी सीरिंज से, क्योंकि तो बिल्कुल खाना पीना बंद कर रखा है इन्होंने गर्मी की वजह से। ऑफिस का काम करते करते थक गया, तो रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा मुर्गों के लिए खाना लेके आ गए। अभी चलते हैं अंदर, उनको देते हैं खाना। तो इसके अंदर है क्या क्या वैसे, ये रोटी है, रोटी पानी में भिगो के दे देंगे, और चावल और कल की बची हुई सब्जी, तो वो भी इनको डाल देंगे। हेलो, ये रोटी इसमें डाल दूंगा, पानी डाल के भिगो के इनको बाद में दे देंगे, और अभी ये चावल और सब्जी, देखना इनको कैसे खाने के लाएंगे एकदम। चूजों के लिए भी और अंदर वाली मुर्गी के लिए भी। जस्ट अभी दोबारा ऊपर आया हूँ, तो अभी ऊपर आके देखा मैंने कि एक छोटा सा चूजा है, वो भी थोड़ा सा बीमार हो रहा है, और अभी कूलर भरने के लिए भी लगा दिया, गर्मी हो रही है।
तो एक चूजा है इधर ही वाला, ये इसने थोड़े पंख लटका रखे हैं ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा बुखार या कुछ है, तो खाना भी कम खा रहा है। तो ये मेडिसिन है मेलोनिक्स, तो पेन किलर, बुखार हो, स्वेलिंग हो बॉडी में, तो उस चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए काम आता है। ऐसे अभी जो इसकी कंडीशन है ऐसे ठंड लगी हो, कूलर चलता तो ठंड लगी जैसे, तो उस वजह से भी हो सकती है, तो ये देंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। अभी रोटी तो सुबह भिगोई थी, ये अभी डाल दूंगा इनको। ये पहले झाड़ना पड़ता है क्योंकि गंदा कर देते हैं सारा, और इसके बाद अपन इसमें डाल सकते हैं, खा लेंगे आराम से। आज के दिन का तीसरी बार फीड, कुछ तरबूज और बची हुई सब्जी, पर अपने चूजों के लिए अंडा, तब ये देंगे इनको। और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।